नमस्ते बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। लेट अस डिस्कस सम मोर अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला हमने पढ़ चुके हैं, दूसरा भी पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद से थर्ड आपका केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस। अगर बेस के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल में ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपसे पुटअप किया जा सकता है, व्हाई रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? तो आप तो सोचने लगेंगे कि भाई ये क्या है, ये भाई अजीब सा क्वेश्चन है। जैसे बेस रिएक्ट करते तो न्यूट्रलाइज, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर क्यों कहा जाता है भाई? तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। होता क्या है कि एसिड, एसिड में हर एसिड में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन कॉमन, तो एसिड से H+ आयन, ओके। और बेस में क्या होते हैं, OH- आयन कॉमन होता है, तो बेस का OH- आयन जब ये कंबाइन करते हैं तब ये वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर एक तरह का न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसीलिए रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, कैसे आप समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया? तो आप सिंपली क्या कीजिए, दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, एसिड और बेस लीजिए, उसको मिलाइए, मिलाने के बाद से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद से आप फिनॉल पैथेलिन डालिए, अगर फिनॉल पैथेलिन का कलर अगर पिंक में चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। अगर नहीं होता, अगर पिंक में चेंज हो जाता है यानी उसमें बेस प्रेजेंट नहीं हुआ है। सो इस तरह से बता सकते हैं। नाउ फोर्थ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जैसे एसिड हो गया HCl। अगर हम मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल हो गया ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन अगर होता है तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। डियर स्टूडेंट, इसको बैलेंस कर दीजिए, आपका काम है, मैं आपको इसको बैलेंस करने के लिए वर्क दे रहा हूँ। उसके बाद से लास्ट है आपका एसिड आर कोरोसिव नेचर। एसिड जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो जिस भी सब्सटेंस पे गिरते हैं उसको खराब कर देते हैं। इवन जो द मार्बल है उस पे गिरता है तो उसको कोरोडेट कर देता है, जो ताजमहल है उसमें भी मार्बल कैंसर हो गया था। तो एसिड का कोरोसिव नेचर का होता है, जिस भी सब्सटेंस पे पड़ता है वो खराब हो जाता है, डल अपीयरेंस का हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल है। और ये ज़्यादातर जो मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस होते हैं, इवन कपड़े पे, लकड़ी पे अगर पड़ जाता है उसको जला देते हैं, ब्लैक स्पॉट्स फॉर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड जो होती हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्शन अगर होता है तो क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने डिस्कस किया रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट तो क्या होता है, और उसके बाद से थर्ड है विथ बेस, फिर फोर्थ है विथ मेटल ऑक्साइड, और लास्ट है कोरोसिव नेचर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।